सुजानपुर बाल आश्रम से दीवार फाड़ कर बच्चों को भगाने का सिलसिला थम निकालना नहीं ले रहा है और कुछ दिनों बाद बच्चों के भागने की खबर अक्सर आती रहती है। ताजा मामले में सुजानपुर बाल आश्रम से गत सुबह करीब 7 बजे 3 बच्चे आश्रम की दीवार फाड़ कर भाग गए थे। इस घटना से आश्रम में खलबली मच गई थी, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को भी दी गई। सुजानपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला हमीरपुर की सभी सीमाओं को अलर्ट जारी कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिस टीम ने बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस की 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चे अलग अलग स्थानों पर प्राप्त किए गए। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया कि बाल आश्रम अधीक्षक ने तीनों बच्चों के भागने की शिकायत थाना सुजानपुर में करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 8:30 बजे एक बच्चा ब्यास पुल के पास पाया गया, जिसे पकड़कर थाना लाया गया, जिसके बाद 2 लड़के जो सगे भाई हैं और उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं, 1 महीना पहले ही बाल आश्रम सुजानपुर में भर्ती हुए थे, उन्हें ढूंढने के लिए कसरत शुरू की गई और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुजानपुर के साथ लगते चबूतरा बाजार से इन्हें पकड़ा गया। तीनों बच्चों को थाना सुजानपुर में लाकर कार्रवाई पूरी करके बाल आश्रम के सपूत कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल, आश्रम अधीक्षक एवं विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ इस विषय में विशेष बैठक आयोजित करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह से बच्चे ना भागें और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो सकें। ये जो बच्चे हैं यूपी से अपने घर से भाग के आए हैं और इनके दिमाग में अभी इनके अभिभावक ओली में इनको इनके साथ बात हुई है और होली के मिलने के बाद वो यहाँ हमारे से लेने जा रहे थे। बच्चे जो है इनकी, जो बड़ा लड़का है राजा, उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि वो बार बार वो घर से भागता है, तो इस करके उसके दिमाग में वो चीज़ चली है और एस्केप किया है। तो अब इसमें उसी टाइम हमने उसको पकड़ा और पुलिस ने की सहायता से हमें कामयाबी मिली है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से कोई उनको खाने का या कोई ऐसे कोई भी संबंधित विभाग की तरफ से कमी नहीं है, परंतु समय समय पर इंस्पेक्शन अथॉरिटीज आती हैं, सारा कुछ देखते हैं, उसके बावजूद कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु अब जो ऐसा एकदम लैप्स करता है, इसलिए मैंने स्कूल में भी भेजे थे अभी तक।